कामयाब, हम कामयाब, हम होंगे होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। AIR वाराणसी प्रेजेंट्स कोविड 19 स्पेशल प्रोग्राम। नमस्कार, ऑल इंडिया रेडियो से मैं हरिंद्र आजाद, और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं डॉक्टर अफरोज आलम। आप फिजिशियन हैं, कुशल चिकित्सक होने के नाते आप लंबे अरसे से इस क्षेत्र में हैं और आपके पास तमाम अनुभव हैं। और जैसा कि श्रोताओं आप सबको ज्ञात है कि हम लोग पिछले वर्ष से लगातार एक संक्रामक रोग जो कि कोविड-19 कोरोना नामक वायरस से फैला और जिससे हमारा देश ही नहीं वरन पूरा विश्व जूझ रहा है, और अभी हाल ही में हम लोग अप्रैल मई महीने में इसके दूसरे लहर को देखा और कितनी स्थितियाँ प्रतिकूल थी, कितना विषम परिस्थिति था, कैसे हम सब परेशान हो रहे थे स्वास्थ्य को लेकर। तो आज हम डॉक्टर अफरोज से जानेंगे इस बीमारी के भयावहता के बारे में और यह बीमारी कैसे, कितना संक्रामक है, कितना घातक है, और इससे हमें कैसे बचे रहना चाहिए और कैसे हम बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम में डॉक्टर अफरोज आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि कोरोना बीमारी से लगभग लगभग अब गांव हो या शहर सब लोग परिचित हो चुका है, फिर भी हम जन जागरूकता के लिए ताकि लोग सदा इससे जागरूक रहें और इस बीमारी से बचे रहें, तो इस बीमारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कोरोना को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, कोरोना घातक बीमारी है, एक से दूसरे को फैलती है, लोगों से दूरी जो है बना के रखा जाए, 6 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, कहीं बाहर जाते हैं मास्क का यूज कीजिए, बाहर से आते हैं हाथ को साबुन धोइए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, और बिना जरूरत घर से बाहर नहीं निकला जाए, बी सेफ एंड स्टे होम वाला रूल जो फॉलो किया जाए, ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही बड़ बाजार या दर दुकान पर जाएं, और जाने के बाद आए तो हाथ तुरंत साबुन से धोएं। जी जी, इसका बचाव का तरीका है, और समय पर टीका उपलब्ध है, सरकार टीका दिलवा रही है, टीका दिलवाया जाए। जी, अभी आपने बहुत सही बात कही कि टीका उपलब्ध है और टीका दिलवाया जाए, यह एक हमारे लिए सुरक्षा कवच है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके आप ग्रामीण क्षेत्र में भी पेशेंट देखते हैं, तो कई लोगों का ये मानना है कि टीका से हमें इतना फायदा नहीं है, तो टीका लगने के बाद बुखार आ जाता है तो कोरोना होने का भी खतरा है, या कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि टीका लेने के बावजूद भी कोरोना हो जा रहा है तो हम टीका क्यों लें। तो इस तरह की जो भ्रांति है लोगों के दिमाग में, लोग जो इस तरीके से सोच रहे हैं कोरोना को लेकर और टीका को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टीका जो है, जैसे पोलियो बीमारी आया था उसका टीका निकला, टीकाकरण हुआ, पोलियो कंट्रोल हो गया। जी जी, स्मॉल पॉक्स आया था उसका भी टीका निकला और टीकाकरण हुआ, वो भी कंट्रोल हो गया। जी जी, अभी नई बीमारी आई है इसका भी टीका निकला है, तो हर बीमारी के साथ साथ कुछ भ्रांतियाँ भी होती है। जी, अब रहा सवाल, किसी को मौत लिखा हो कि फलाना समय पे उसका मौत हो जाएगा, जी जी, और ऑलरेडी वो टीका ले चुका है तो समय पर तो उसकी मौत होनी ही है, निश्चित। अब उसको लोग जोर देते हैं कि टीके के कारण हुआ। जी, ये बिल्कुल भ्रांति बात है। जी जी, और टीका लेने से फायदा ये है कि अगर कोविड का इन्फेक्शन होता है और आपने टीका ले लिया है तो सीवियरिटी कम होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता कम पड़ेगी। जी जी, कम दिन हॉस्पिटलाइज रहेंगे। जी 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 जी, ये आम जन तक ये बात जरूरी है पहुंचना कि कम से कम अगर आप टीका लेते हैं तो, अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको कोरोना होता भी है तो उसकी भयावहता, उसकी खतरा और उसके दुष्परिणाम काफी कम हो जाएंगे। एक सामान्य आदमी जो टीका नहीं लिया हुआ है तो उसके साथ जितने कॉम्प्लिकेशन होंगे, जितने दुष्परिणाम होंगे, दुष्प्रभाव होंगे, उसके बनिस्पत जो आदमी टीका लेगा उसके साथ दिक्कतें कम आएंगी। और बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि कम से कम टीका लेने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। तो क्या आप अपने पेशेंट को या आपके आसपास जो लोग भी रहते हैं, चाहे जो लोग आपसे जुड़ते हैं, तो उनको आप टीकाकरण के लिए किस तरीके से प्रेरित कर रहे हैं? हम उनको प्रोत्साहित करते हैं, टीका लीजिए, टीका लेने से फायदा है, टीका लेने के बाद इन्फेक्शन होता भी है तो सीवियरिटी कम होगी, भयावहता कम होगी। जी, और जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऑक्सीजन की भी जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद टीका ले चुके हैं, अपने ले चुके हैं, अपने असिस्टेंट स्टाफ को दिलवा चुके हैं, अपने बच्चों को दिलवा चुके हैं,
अपनी वाइफ को दिलवा चुके हैं। जी जी, और ये बीमारी का जो संक्रमण दर है, हालांकि आपने अभी देखा कि हम लोग जो दूसरी लहर देखे उसमें तो तमाम लोग प्रभावित हुए थे, और आगे कई लोगों का ये प्रिडिक्शन है, मानना है कि हो सकता है कि तीसरी लहर आ जाए, तो इस लहर से हम और हमारा परिवार, हमारा समाज कैसे बचेगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई हम अपने तौर पर कर सकते हैं। जी, बाकी सरकार प्रयास कर रही है तीसरे फेज के लिए, क्या मेडिसिन इन्वेंट करते हैं साइंटिस्ट लोग, उस पर भी डिपेंड करता है। जी, और आम लोगों को क्या, किस तरह के एहतियात बरते लोग ताकि तीसरी लहर हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए, हम और हमारा देश सुरक्षित रह सके? आम लोग बेला वजह बाहर नहीं जाए, बाहर अगर जरूरी काम से जाए तो लोगों से 6 फीट की दूरी बना के रहे, मास्क लगा के जाए, हाथ में सैनिटाइजर यूज करके जाए, फिर बाहर से लौटे तो घर आके साबुन पानी से हाथ धो ले, साफ सफाई का ध्यान रखे, तो इसकी भयावहता कम की जा सकती। जी जी, निश्चित रूप से आपने बहुत सही बात बताई, और जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि अनावश्यक हम घर से बाहर नहीं निकले, बहुत जरूरी हो तो जाए, तो जो गाइडलाइन है, हैंड हाइजीन है, बेवजह आंख नाक कान को नहीं छुए, हाथों को हमेशा सैनिटाइज करते रहे, करते हुए जाए, साफ सफाई को मेंटेन करते हुए जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, बाहर से आने के बाद हाथ धो ले साबुन पानी से, मुंह हाथ धो ले, और दूसरों को भी जागरूक करें, ऐसा करना चाहिए। निश्चित रूप से आप अपने परिवार को, स्वयं को और अपने समाज को इस महामारी से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। और चलते चलते आप अपने पसंद का कोई गाना अगर सुनना चाहें या अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहें तो बता सकते हैं। मोहम्मद रफी का कोई गाना सुनवा दीजिए। जीना तो है उसी का, अरे जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना, हाँ जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। किसी ने कहा तू है तारों का राजा, किसी ने कहा आजा मेरे पास आजा, किसी ने दुआ दी किसी ने बधाई, सबकी तू आंख का तारा बने, तेरी ही रोशनी में चमके तेरा घराना, है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। AIR वाराणसी प्रेजेंट्स कोविड 19 स्पेशल प्रोग्राम।